नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। झारखंड में 5 चरणों के विधानसभा चुनाव का दौर अब खत्म हो चुका है। 23 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही झारखंड में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर कई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और कुछ ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार अब बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र से तो हार चुकी है बीजेपी, वहीं अब लग रहा है कि झारखंड का चुनाव भी हारती हुई दिखाई देने वाली है भाजपा सरकार। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एनआरसी और सीए को लेकर जो पूरे देश में हंगामा चल रहा है, जहां पर सभी जनता उतर चुकी है सड़कों पर और इसका विरोध कर रही है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है जनता, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाजपा अब पिछड़ती हुई जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड में जैसे कि 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, उसके रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले ये कहा जा रहा है कि शायद झारखंड में बीजेपी हारती हुई नजर आएगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी अब दिखाई नहीं देगी। आपको बता दें कि हाल ही में एक लिस्ट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किन किन राजनेताओं ने, किन किन विधायकों ने और किन बड़े बड़े राजनेताओं ने वहां पर चुनाव प्रचार नहीं किया और वहां चुनाव प्रचार ना करने का क्या मकसद हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ये बड़े चेहरे हैं और इनको लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था झारखंड के चुनाव के दौरान, लेकिन ये लोग कहीं प्रचार दौरान झारखंड में दिखाई नहीं दिए, ना झारखंड में इन्होंने प्रचार किया, ना झारखंड में ये ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए, कहीं ना कहीं ये गायब से दिखाई दिए अखिलेश और मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बसपा अध्यक्ष मायावती भी नहीं दिखाई दी झारखंड में, ना वो झारखंड के फेवर में बोली, ना ही अपनी पार्टी को आगे दिखाते हुए मायावती ने कुछ बयान दिया। इसके अलावा और भी नेता हैं, आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री थी वो भी झारखंड से गायब दिखाई दी, उनकी बेटी भारती मीसा वो भी झारखंड चुनाव से दूर दिखाई दी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ सभी पार्टी एकजुट हो चुकी हैं, जहां सीए को लेकर एनआरसी को लेकर विरोध करती हुई जनता का समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं सभी विपक्ष पार्टियां, तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं झारखंड में, क्योंकि उनको ये लग चुका है कि अब बीजेपी झारखंड में नहीं जीतने वाली। जैसा कि आपको बता दें कि मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश, नीतीश, मुलायम सिंह यादव ये कहीं भी वहां पर दिखाई नहीं दिया, झारखंड में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन इससे अलग हटकर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने भरपूर प्रचार किया है झारखंड में, वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी ने भी जनसभाओं को संबोधित किया है, सोनिया गांधी ने भी जनसभाओं को संबोधित किया है। उनके यही मुद्दे रहे हैं कि भाजपा को हटाओ, भाजपा जनता की बात नहीं सुनती, उनके हित के काम नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने प्रचार नहीं किया है झारखंड में या झारखंड से नरारत दिखाई दिए हैं, तो इन सब का कहीं ना पीछे यही कारण निकल के आ रहा है कि उन सब को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही है, तो क्यों वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे झारखंड में जाकर, या क्यों वो अपने आप को ऐसा दिखाए कि सिर्फ झारखंड ही झारखंड है, झारखंड में ही उनको साबित करना है, जबकि और भी राज्य है जो वहां पर साबित कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पीछे जरूर चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा के ही नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, रामविलास पासवान हो या सुधीर महतो हो, इन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, भाजपा से अलग हो चुके हैं। वहीं अकाली दल के नेता जो हैं वो उन्होंने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया है, कहीं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सभी और भाजपा को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब हाल ही में देख लीजिए, कर्नाटक में भी बीजेपी को लेकर कई बातें सामने आई, बेंगलुरु में सीए को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी मुसीबत में घिरती हुई नजर आएगी, और खासकर दिल्ली में। आपको बता दें झारखंड में तो ये कयास लगा लिए गए हैं कि झारखंड में इस बार बीजेपी सरकार हारती हुई नजर आएगी, झारखंड में अब भाजपा का राज नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है, खासकर विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है, सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ जनता दिल्ली में ज्यादा देखी जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया में सबसे पहले विरोध प्रदर्शन देखा गया था, वहीं जेएनयू उनके समर्थन में भी आई थी, सीलमपुर में भी देखा गया, दिल्ली के कई इलाकों में
इसको लेकर विरोध प्रदर्शन था, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को लेकर भी विरोध प्रदर्शन था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार का अस्तित्व कहीं ना कहीं अब खत्म होता जाएगा। लेकिन झारखंड जहां अब चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के, जहां अब 23 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले ही यह कहा जा रहा है कि अब झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं होगी। ये कहां तक ठीक है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।